नमस्ते दोस्तों। तो अब तक के एपिसोड में हमने देखा कि पीट को उसकी बुक चाहिए थी एंड उसके साथ अपना ओलिवर एंड उसकी फ्रेंड गई थी, जहां वो लोग देख पा रहे थे कि उन दोनों का ही रास्ता दो सीनियर्स ने ब्लॉक कर दिया था। और अब हमें दिखाया जाता है कि अपना पीट अपना वेपन इस्तेमाल करने को रेडी था, तभी ओलिवर उसको रोक लेता है एंड कहता है कि अभी इसका इस्तेमाल मत करना। फिर हम देखते हैं कि वहां पे जो दो सीनियर्स थे वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को पोक करते हैं, दोनों ही आपस में काफी मजाक बनाते हैं एक दूसरे का। सुन के ऐसा लगा कि अभी वो लोग लड़ने को उतारू हो जाएंगे। फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट एंड उसके दोस्तों को साइड करते हुए वो दोनों ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जहां वो दोनों ही आपस में अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक अपनी मैजिकल पावर से स्केलेटन डायनासोर बनाता है, वहीं दूसरी तरफ जो फीमेल होती है वो अपने पेट से समन करती है एक जायंट मॉन्स्टर को। ये सब देख के ओलिवर अपने दोस्तों को कहता है कि दोस्तों यही वक्त है, भाग चलते हैं। ये सब सीनियर देख लेता है एंड उनके आसपास एक स्केलेटन केज बनवा देता है। वो उनको कहता है कि मैं तुम्हें इतना इजीली बच के जाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पे एंट्री होती है अपनी ननाव की, जो कहती है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पे मर्द लोग मरते हैं। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेन ऑफ सेवन स्पेल ब्लेडर्स का एपिसोड नंबर 3, जिसका नाम है सोल्जर्स। तो अगर तुम में से कोई चैनल पे नया आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं ऐसे ही एनिमे वीडियोस लाता रहता हूँ। वेल, अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सीनियर जो था उसका स्केलेटन मॉन्स्टर टूट चुका था एंड वो वापिस से बना के हमला करवाता है। वहीं अपनी ननाव अपनी दोस्तों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, अगर तुम लोग नहीं भागे तो पक्का इन दोनों में से कोई एक तुम्हारे पीछे आएगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम लोगों को बचाऊं एंड शायद मेरा ये आखिरी दिन होने वाला है, मुझे काफी खुशी होगी कि मैं फाइनली मुक्त हो जाऊंगी। ये बोलते ही ननाव वहाँ से भाग के फाइट में एंटर होने वाली होती है। ये सब देख के अपना ओलिवर काफी शॉक हो जाता है एंड उसके पीछे भागता है। वेल, तभी हमें दिखाया जाता है कि आउट ऑफ नोवेयर उन दोनों मॉन्स्टर्स पे काफी ज्यादा फ्लेम्स आ चुकी है एंड दोनों ही जल के खत्म हो गए। वहीं जिसने स्पेल कास्ट करा वो वहाँ पे आता है एंड वो उन सभी को कहता है कि बंद करो ये सब, तुम्हें पता नहीं क्या कि न्यू स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। वहाँ का जो सीनियर था वो कहते है कि अरे तुम तो रहने दो, तुम्हारी आदत नहीं बदली क्या आग लगा के क्वेश्चन पूछने की। एंड जो स्पेल कास्टर था वो अपने प्रोटैगनिस्ट एंड उसके दोस्तों को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मैं तुम पे आज भी नहीं आने दूंगा। और ये वादा है किम्बरले अकेडमी के प्रेसिडेंट एल्विन गॉडफ्री का। वहीं दूसरी तरफ उस सीनियर स्टूडेंट को भी एक फिफ्थ ईयर की स्टूडेंट पकड़ लेती है, जिसका नाम होता है कार्लोस विद्रो। तभी एल्विन एंड कार्लोस उन दोनों बुरे सीनियर्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम दोनों जाओ एंड यहाँ पे कभी मत दिखना। उन दोनों के जाने के बाद अपने एल्विन एंड कार्लोस दोनों ही ओलिवर के दोस्तों से माफी मांगते हैं एंड उनको कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम इन लोगों के हाथों में नहीं आए, क्योंकि तुम पहले नहीं हो जिनको इन्होंने बुली करा। मुझे माफ करना, चलो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देता हूँ। उन लोगों को जैसे ही रास्ता मिलता है वो लोग देख पाते हैं कि उनके दोस्त काफी वरी थे उनके लिए, जहाँ पे केट ननाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। तभी ओलिवर ननाओ के कपड़े पकड़ता है एंड कहता है कि तुम्हें ज्यादा ही शौक है क्या मरने का, वहाँ पे तुम क्या बोल रही थी कि आज मेरे मरने का दिन है, तुम बेवकूफ हो गया, तुम्हें सुसाइड क्यों करना है। तभी मैकफेलिन उनको रोकती है एंड कहती है कि ओलिवर काम डाउन करो, हम इसको आपस में सॉल्व करते हैं। वहीं अगले ही सीन केट एंड मैकफेलिन अपनी ननाओ से कहती है कि तुम बताओ अब तुम क्या कहना चाहती हो। ननाओ स्टोरी नरेट करते हुए कहती है कि मुझे लगता है ओलिवर एकदम सही कह रहा है, मेरे अंदर किसी न किसी चीज की अटैचमेंट पड़ी हुई है एंड ये काफी टाइम से मेरे दिल के अंदर है। जहां वो अपनी एक काफी पुरानी बैटल के बारे में डिस्कस करती है, जिस बैटल में 50,000 सोल्जर्स से वो लड़ी थी, जहाँ पे उसके साथ सिर्फ 200 सोल्जर्स थे। वो कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे बस यही पता है कि मुझे बस मारना है, जहाँ पे वो जंप करके जनरल सोमा के पास जाती है एंड वो कहती है जनरल सोमा मैं यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी छीनने आई हूँ। तभी उसको रोक लेता है एक सोल्जर एंड कहता है कि ओ लड़की औकात में रहो एंड वो उससे फाइट करता है। तभी अपनी ननाओ भी उसको ऑन द स्पॉट मार देती है। ये सब देख करके जनरल कहता है कि ओ लड़की तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें टॉफी चाहिए क्या, तुमने ये सब क्या किया। वो कहती है कि अगर मेरी कोई इच्छा पूरी करनी है तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे से फाइट करूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे क्लैन में वही एक सबसे पावरफुल वॉरियर है। ये सुनते ही जनरल कहता है कि तुमने अभी अभी जिसको मारा वो मेरा बेटा ही था, वो एक काफी अच्छा वॉरियर के साथ साथ एक अच्छा पोइट भी था,
जर्नल ये बोलने के बाद काफी उदास हो चुका था एंड वो कहता है कि तुम्हें क्या ही पता उसके बारे में, अब मैं तुम्हारा नाम भी नहीं पूछूंगा ना मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा, एक जनरल होने के खातिर मैं चाहता हूँ कि तुम बिना नाम के मरोगी। एंड ये बोलते ही वो सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। एंड जैसे ही सारे सोल्जर्स ननाओ के ऊपर अटैक करते हैं, ननाओ अपनी आंखें क्लोज कर लेती है एंड वो रियलाइज करती है कि किसी का भी वार नहीं लगा। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक स्मार्ट सा बंदा उसको बचा लेता है जो कि एक मैजिशियन होता है। वो कहता है कि यहाँ पे मैं पोटेंशियल बच्चों के पास खींचा हुआ चला आ जाता हूँ। एंड फिर जो जनरल था वो कहता है कि वेस्टर्न मैजिशियन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जो वेस्टर्न मैजिशियन था वो ननाओ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी कंट्री में आकर मैजिक सीखना चाहोगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम में काफी टैलेंट है एंड मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पे वेस्ट हो एंड तुम इस घटिया जगह पे मरो। एंड फिर अपनी ननाओ उनको बताती है कि ये एक सपने जैसा था, एक बहुत बड़ा सपना जिसका हर एक पल हर एक लम्हा मुझे याद है। मुझे काफी बुरा लगता है कि जब कोई ब्लेड रिवेंज के लिए उठी हो, म्यूचुअल लव के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ कि एक डुएलेट तभी होता है जब दो लोग आपस में प्यार से सहमति से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके उसको शुरू करें। मेरी कंट्री में इसको शावेस कहते हैं जिसका मतलब होता है खुशियाँ। ये सब सुन के ओलिवर कहता है कि अच्छा, जिसको तुम एडमायर करते हो, जिसको रिस्पेक्ट करते हो, तुम उसी के साथ फाइट करके उसको मारते हो, क्या यही है हैप्पीनेस? फिर अपनी ननाओ उसको रिप्लाई में कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि सुनने में तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही एक चीज है जो हमारे गांव के लोगों को पसंद है। जब मैं तुमसे फाइट कर रही थी, मैं चाहती थी कि हम दोनों टिल द डेथ फाइट करें, बट बिकॉज कि तुम टिल द डेथ फाइट नहीं कर पाए तुम्हारी किसी रीजन की वजह से, मुझे शावेस यानी कि हैप्पीनेस इसी वजह से फील नहीं हो पाई जिस वजह से मैं चाहती थी कि मेरे को कोई खत्म कर दे, यानी कि मैं एक डेथ विश मांग रही थी। तभी वहाँ पे केट उसकी बातें सुन के कहती है कि क्या बच्चों वाली बातें हैं, तुम इसी चक्कर में अपनी डेथ विश मांग रही थी। ओलिवर केट को कहता है कि तुम थोड़ा चुप रहोगी। उसकी रिप्लाई में अपनी ननाओ कहती है कि केट एकदम सही बोल रही है, मैं प्यार तुमसे करूँ या तुम्हारी स्वर्ड से, दोनों ही बराबर है। तभी मैकफ्लेरी अपनी ननाओ को कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे विलेज का स्टाइल, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है एक हैप्पी नॉर्मल फाइट कराने का। ननाओ कहती है कि नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है, बिकॉज मुझे हमेशा फाइटिंग कोर एंड तक सिखाई गई है। तभी उसको रिप्लाई में मैकफ्लेरी कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें अपने अंदाज एंड स्टाइल बदलना हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उसका ध्यान रखना है जिससे भी तुम प्यार करती हो, चाहे वो ब्लेड ही क्यों ना हो। ओलिवर यहाँ पे सामने है, हम सभी लोग तुम्हारे सामने हैं, हम सभी तुम्हारा भला चाहते हैं, हम सभी तुमसे प्यार करते हैं। तभी ओलिवर कहता है कि ननाओ मुझसे प्रॉमिस करो, तुम कभी भी अपने आप की लाइफ कभी नहीं लोगी एंड अपनी स्वर्ड को हमेशा अच्छे कारणों के लिए इस्तेमाल करोगी। ननाओ ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा शॉक होती है, फिर वो जो है सबसे अपोलोजाइज करती है एंड माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैं शायद गलत रास्ते में भटक गई थी, मुझे अपनी जिंदगी को ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, अगली बार से मैं कभी नहीं करूंगी, मैं इस चीज का वादा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग मुझे सिखाओ कि जिंदगी को जीने का सही तरीका क्या है एंड जिंदगी को कैसे जिया जाता है। वहीं फिर हमें अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी ननाओ भागते हुए ओलिवर के पास आती है एंड उससे चिपकना शुरू कर देती है, उसके साथ चलती है, उससे क्लोज आती है। ओलिवर ये सब देख के काफी अनकंफर्टेबल फील करता है एंड कहता है कि तुम इतना क्लोज क्यों आ रही हो मेरे, जहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ, मैकफ्लेरी ने मुझे कहा है कि तुम्हें ब्लेड से ही नहीं तुम्हें उस इंसान से भी प्यार करना है। तभी वहाँ पे केटी आती है एंड ननाओ कहती है कि तुम्हें इतना क्लोज नहीं रहना चाहिए ओलिवर के, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी ननाओ कहती है कि तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा। ये सुनते ही केटी पीछे जाती है एंड वो शर्माना शुरू कर देती है, जहाँ पे अपने ओलिवर के दोस्त काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं केट का एंड केट उनसे लड़ना शुरू कर देती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी अपनी क्लास में हैं, जहाँ पे उनका जो मास्टर है वो उनसे कहता है कि अभी के लिए तुम लोग ब्रेक ले सकते हो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है। ओलिवर फिर अपने मास्टर से पूछता है कि सर, क्या आप स्पेल ब्लेडिंग के बारे में कुछ बता सकते हो, मुझे इसके बारे में जानना है। उसका मास्टर कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई यहाँ पे इसका क्वेश्चन जरूर लाएगा, जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। उनका मास्टर कहता है कि स्पेल ब्लेडिंग जो है एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, स्पेल एंड ब्लेड दोनों का इस्तेमाल करने का। जो बताता है कि इन दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे यूज करा जाता है जब भी आप किसी तरह की फाइट लड़ो। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि ओपोनेंट का डिफीट होना 100% तय रहता है। वहीं उनका मास्टर उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है एंड कहता है कि अभी तक सिर्फ 6 स्पेल ब्लेडर्स ही एग्जिस्ट कर चुके हैं।
एंड हर कोई ट्राई करता रहता है कि वो न्यू स्पेल ब्लेडिंग टेक्निक्स को इवॉल्व करेगा, वरना फिर वो पुरानी टेक्निक से कुछ न्यू निकालेगा ताकि वो किसी भी छे के एग्जिस्टेंस को खत्म कर सके। लेकिन आज तक कोई भी इनको डिफीट नहीं कर पाया है, इतना टाइम हो चुका है एंड अभी तक किसी ने भी इसका तोड़ नहीं निकाला है। एंड यही वजह है कि मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता एंड मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकता कि मैं ये खुद हूँ या नहीं हूँ। वहीं हमें दिखाया जाता है ननाओ एंड ओलिवर की कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे ननाओ उससे कहती है कि मुझे ये टेक्निक काफी अच्छी लग रही है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या ओलिवर? अपना ओलिवर कहता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे भी पता है। तभी वहाँ पे एंड्रू आता है एंड कहता है कि ओए यहाँ पे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, प्रैक्टिस का टाइम है ना, तो प्रैक्टिस कर लो ना तुम लोग। ओलिवर उसको रिप्लाई में कहता है कि हाँ हम सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए, आफ्टर ऑल हम सभी लोग सेम लेवल पर हैं। एंड मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम मुझसे फाइट करो। तभी वहाँ पे मैकफ्लेरी आती है एंड एंड्रू को कहती है कि एंड्रू प्लीज ये सब गलत काम मत करो, तुम खुद को ही सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। एंड वहाँ पे अपना एंड्रू मैकफ्लेरी से एंड ओलिवर से दोनों से बहस करता है, जहाँ पे एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि अपना ओलिवर अपने एंड्रू से फाइट करेगा एंड ये एक प्रैक्टिस फाइट होगी। तभी जैसे ही अपना प्रोटैगनिस्ट फाइट के लिए लड़ने वाला था, नना उसको रोकती है एंड कहती है कि एक मिनट, मैं तुम्हारे अंदर सेंस कर पा रही हूँ कि तुम जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं हो उससे फाइट करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझ के इसको जीतने देना चाहते हो, प्लीज ऐसा मत करो, मैं चाहती हूँ कि तुम ईमानदारी से लड़ो एंड ईमानदारी से अपनी हार या जीत का फैसला करो। ननाओ की बात सुन के अपना एंड्रू कहता है कि ओए ओलिवर मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुम सही में मुझे इतना बच्चा समझते हो कि तुम मुझसे सीरियसली फाइट भी नहीं करना चाहते? तभी वहाँ पे मास्टर आते हैं एंड कहते हैं कि ओए यहाँ पे लड़ना बंद करो एंड वो उन दोनों की फाइट को रुकवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैकफ्लेरी अपने ओलिवर को एंड्रू के बारे में बताती है कि बचपन से ही इसको मेरे से कंपेयर करा गया है, वो बचपन से ही हारने में काफी ज्यादा डरता था एंड हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता था कि वो अपने आप को बेस्ट प्रूव कर पाए, शायद इसमें मेरी ही कोई ना कोई गलती रह गई। खैर वैसे भी उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ननाओ ने जो बातें तुम्हें कही है तुम उस पे अमल करना एंड अपनी फाइट जो है वो ईमानदारी से लड़ना। तभी वहाँ पे अपना पीट भागते हुए आता है एंड कहता है कि केटी पागल हो गई है, वहाँ पे वो किसी पीजेंट से लड़ रही है, क्योंकि उसको सुनने में आ रहा है कि ये लोग उस जायंट ग्रीन मॉन्स्टर को जो कि परेड में आया था उसको असैसिनेट करना चाहते हैं, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है कि केटी एंड उस आदमी की बहस होती है, जहाँ पे आदमी कहता है कि मैं कभी भी किसी की इतनी नहीं सुनता जितनी तुम मुझे बोल रही हो, तुम मुझे मंकी जैसी दिख रही हो। तभी वहाँ पे केटी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि इसको मत मारना। तभी वो जो आदमी होता है वो केटी से उसका नाम पूछता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम इस फैमिली से हो, तुम भी अपने माँ बाप की तरह काफी बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें भी समझ नहीं आता है, पता नहीं तुम लोगों को इन क्रिएचर्स पे क्या दया भावना आती है। केटी कहती है कि मैं भूल जाऊंगी कि तुमने मेरे पेरेंट्स को अभी डिसरिस्पेक्ट करा मेरे सामने, लेकिन प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज इसको छोड़ दो। फिर वो आदमी रिप्लाई में कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, अगर इसको नहीं मारा और खुला छोड़ दिया तब ये किसी और को मारेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तुम लोगी? तभी केटी कहती है कि मुझे इतना नहीं पता लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको कन्विंस कर पाऊं। उसकी बात काटते हुए आदमी कहता है कि क्या मजाक है कि तुम एक मॉन्स्टर को कन्विंस करोगी, ये तो बात तुम भूल ही जाओ। एंड वो गुस्से में जो है अपनी केटी के ऊपर मैजिक चला देता है, जिस वजह से केटी को काफी प्रॉब्लम आती है। तभी वहाँ पे ओलिवर एंड उसके दोस्त आ जाते हैं एंड कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तभी आदमी कहता है कि मैंने जो भी करा इसी लड़की के भले के लिए करा, मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी इस चीज का सबक सीखना चाहिए। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि उस आदमी को रोक देती है, वो फोर्थ ईयर की मिलिगन होती है, जो कहती है कि तुम्हारा तरीका काफी ज्यादा गलत है एंड हाँ तुम जिसको मारने वाले हो उसके लिए एक ऑब्लिगेशन फाइल हुआ है। तभी वहाँ पे मास्टर आता है एंड कहता है कि 5 साल पहले ही बच्चों को फिजिकली मारना एंड उनको एजुकेट करना बैन हो चुका है यहाँ पे। तभी वो जो आदमी होता है वो कहते है कि ऑब्लिगेशन क्या है पहले मुझे ये तो बताओ, जहाँ पे उनके मास्टर्स कहते हैं कि हाल ही में परेड में जो हमला हुआ था उस चीज के ऊपर रिसर्च होना बाकी है, इसीलिए अभी इसका असैसिनेशन रोक दिया गया है। तभी वो बंदा कहता है उसके मास्टर से कि तुम पता नहीं कोई सिविल राइट एक्टिविस्ट लगते हो, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? जहाँ पे मास्टर कहते हैं कि जिनकी तुम बात कर रहे हो वो अब छोटे मोटे ग्रुप नहीं रहे हैं, वो काफी हाई लेवल के हैं, अगर तुमने इसका अभी असैसिनेशन कर दिया तो शायद तुम पे काफी कार्रवाई हो सकती है। एंड ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जो आदमी था वो चला जाता है एंड कहता है कि अगर तुम लोगों ने इसको मरने से रोका ना तो याद रखना एक ना एक दिन यही बंदा इस केटी बंदरिया को मार देगा, तब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तभी वहाँ पे मिलिगन आती है एंड केटी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बाकी क्रिएचर्स के लिए काफी ज्यादा प्यार है, मैं भी डेमी ह्यूमन लवर हूँ एंड मुझे भी क्रिएचर काफी ज्यादा पसंद है, मुझे लगता है कि काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ एज अ फ्रेंड।
वहीं आखिर में हमें सीन दिखाया जाता है कि मिशेले को एंड्रू की तरफ से एक लेटर मिला है जिसमें वो चाहता है कि वो डूले करेगा ओलिवर एंड ननाओ से। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारे रेन ऑफ सेवन प्रेडेटर के एपिसोड नंबर 3 जिसका नाम है सोल्जर्स उसका हिंदी स्पिन यहीं पे खत्म होता है। तो कमेंट में जरूर बताना तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा एंड हाँ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड का ऑन टाइम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि तुम सभी को उस चीज का नोटिफिकेशन जरूर मिले। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तुम मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो एंड या इस वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पे एनिमे फ्रेंड्स के साथ या फिर एनिमे ग्रुप्स में भी। तो बस दोस्तों मैं मिलता हूं तुम सभी से एक और नई वीडियो में एक और नई हिंदी स्पिन के साथ। तब तक के लिए इट्स योर न्यू हिंदी साइनिंग ऑफ। नमस्ते।